परम आदरणीय मुख्य अतिथि, मैनेजमेंट मेंबर्स, मुख्याध्यापक, मुख्याध्यापिका, अध्यापकगण, अध्यापिकाएं, अभिभावक तथा मेरे प्यारे छोटे मुन्ने बच्चे, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त है, यानी खुशी का दिन। आज के दिन हम अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुए थे। भारत देश के निवासी अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुए थे। आज पूरा देश अमृत महोत्सव के रूप में यह पर्व या त्यौहार मना रहा है। आज़ादी के 75 वर्ष हो चुके हैं। आज यह पर्व हम राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मना रहे हैं। राष्ट्रीय त्यौहार हमारे देश में इसके तीन रूप हैं। एक है 15 अगस्त, दूसरा है 26 जनवरी और तीसरा है 2 अक्टूबर, गांधी जयंती। यहाँ पर बच्चों, मैं बताना चाहता हूँ कि 15 अगस्त के दिन देश को आज़ादी मिली थी और 26 जनवरी के दिन हमने अपना संविधान लागू किया था और 2 अक्टूबर गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसमें आज़ादी के समय में गांधी जी का बहुत बड़ा सहयोग था। गांधी जी के बारे में बताया जाता है कि वो मानवता के, उनका धर्म जो था सबसे बड़ा धर्म मानवता था, वो अहिंसा, सत्य और अहिंसा के पुजारी कहे गए। उन्हीं के संदर्भ में, अगर मानवता के संदर्भ में देखें तो हमारी संस्कृति में है अहिंसा परमो धर्मा। अहिंसा परमो धर्मा का मतलब है कि हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए। और दूसरा आपको बताया गया है, जिसमें बताया गया कि सत्य में वो जयते, सत्य में वो जयते, हमें सच बोलना चाहिए, सत्य की ही जीत होती है। और नेक्स्ट आपका है वसुधैव कुटुम्बकम। हमारी संस्कृति का एक लाइन है वसुधैव कुटुम्बकम, जिसमें बताया गया कि पूरी दुनिया में धरती पर रहने वाले हम सभी एक परिवार के रूप में रहते हैं और हम सभी भाई बहन हैं। बच्चों, आगे आज के इस कार्यक्रम में आपने देखा होगा कि छोटे मोटे बच्चे और 9th-10th के बच्चों ने किस तरह से परफॉर्म किया। जब हम देश गीत को गाते हैं तो उसमें हमारे मन में एक प्रेम की भावना जाग उठती है। जैसे अभी आपने देखा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इसकी एह गुलिस्तान हमारा। नेक्स्ट दूसरा आप गीत जो सुनते हैं, ये मेरे वतन के लोगों, जब इस प्रकार का गीत सुनते हैं तो हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं और हमारे मन में देश प्रेम की भावना जाग उठती है। और प्रेम की भावना और उत्साह की भावना तब जाग उठती है जब छोटे मोटे बच्चे इस तरह का गीत गाते हैं कि नन्हे मुन्ने बच्चे जब इस तरह का गीत गाते हैं कि नन्हा मुन्ना राह हूँ देश का सिपाही हूँ। जब इस तरह का गीत गाते हैं तो देखा जाता है कि बच्चों में कितना बड़ा उत्साह है। आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। इस दिन को पाने के लिए हमारे देश के वीरों ने कुर्बानियाँ दी और उस बलिदान के कारण आज हमें आज़ादी मिली। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली और उस आज़ादी के दिन को हम हर साल खुशी और उल्लास के साथ 15 अगस्त 26 जनवरी के रूप में मनाते हैं। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी हमारा देश अपराध, भ्रष्टाचार और हिंसा जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। ये हमारे लिए एक दुख की बात है। इस बात को दूर करने के लिए हमारे शिक्षक, हमारे टीचर्स स्कूलों के माध्यम से बच्चों को अगर सिखाएंगे तो इससे हमें छुटकारा मिल सकता है। आगे की एक लाइन मैं बोलना चाहता हूँ, पंक्तियाँ हैं, आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे, बची हो जो एक बूंद भी लहू का, तब तक भारत माता की आंचल को हम नीलाम नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय भारत।